नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंक प्राइवेटाइजेशन का जिन्न फिर एक बार उठ गया है। बैंक प्राइवेटाइजेशन ऑन कोर्स एज पर शेड्यूल, सेज वित्त मंत्री सीतारमन। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल गो अहेड एज प्लांड, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन हैज कन्फर्म। इस तरह के न्यूज जो हैं वो 29 मई को एक आम सभा में वित्त मंत्री ने कहा, और फिर डायपम ने इस बात को बेर बेर जोर दिया कि हम बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। ये सच है कि IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो रही है, लेकिन दो नेशनलाइज बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की जो बात चल रही थी वो धीमी पड़ गई थी। उसका कारण है कि इसमें बैंकिंग लॉ में अमेंडमेंट जो अभी पॉसिबल नहीं था, ना हुआ। किस आधार पे गवर्नमेंट फिर कह रही है कि हम एज पर शेड्यूल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मार्च 24 से पहले ये करना उतना संभव नहीं प्रतीत हो रहा है, और जितना गवर्नमेंट कह रही है। द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज एड्रेसिंग द मीडिया इन द कंट्री फाइनेंशियल कैपिटल ऑन द अकेजन ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कंप्लीटिंग 9 years इन पावर। इन हर 21 बजट स्पीच सीतारमन हैड अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट वुड लुक टू प्राइवेटाइज टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन 21-22। और इस बारे में एक AIBA की तरफ से एक ट्वीट आया, ऑल ऑफ अस अवेयर दैट इट इज आवर स्टैंडिंग डिसीजन एंड रिट्रिएटेड इन आवर मुंबई कॉन्फ्रेंस ऑल्सो दैट इफ गवर्नमेंट विल मूव इन एनी वे रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन देयर शेल बी इमीडिएट एजिटेशन एंड द स्ट्राइक्स। और इस बारे में उन्होंने एक न्यूज की कटिंग लगाई है, 29 May 2023, बैंक प्राइवेटाइजेशन ऑन कोर्स एज पर शेड्यूल सेज फाइनेंस मिनिस्टर। द एबव न्यूज आइटम इज बींग फॉरवर्डेड टू अस बाई सम ऑफ आवर यूनियंस एंड मेंबर सीकिंग क्लेरिफिकेशन। ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट दिस इज द वेल नोन एजेंडा ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ऑल ऑफ अस अवेयर दैट EOBU, AIBA आर अपोज टू द आइडियाज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट इन आवर इट इज आवर स्टैंडिंग डिसीजन एंड रिट्रिएटेड इन आवर मुंबई कॉन्फ्रेंस ऑल्सो दैट इफ द गवर्नमेंट विल मूव इन एनी वे रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन देयर शैल बी इमीडिएट एजिटेशंस एंड स्ट्राइक्स। हैंस वी नीड नॉट गो बाय एनी रूटीन स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द मिनिस्टर। इफ गवर्नमेंट आर RBI विल टेक एनी कंसर्ट कॉन्क्रीट स्टेप्स, EOBU, AIBA विल रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। फ्रेंड्स, यहां पे एक बात मैं अपनी कहना चाह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट का दुर्भाग्य होगा कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक कंप्लीट प्रॉफिट में आने के बाद ये बैंक सरकार का दुर्भाग्य होगा यदि दे विल गो फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और ये निश्चित है कि 2024 के जनरल इलेक्शन के पहले ये प्राइवेटाइजेशन असंभव है, इम्पॉसिबल, और उसके बाद क्या होगा गॉड नोज। लेकिन अगर गवर्नमेंट की मंशा यही रही तो शायद वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ताकि आने वाले जनरल इलेक्शन के बाद अगर इसी तरह के विचार इस गवर्नमेंट के रहे तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।